फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का आईसीडीएस जुड़े कर्मचारियों का एक नई वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूँ। आंगनबाड़ी सेविकाओं को अच्छी तरीके से मालूम है कि सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्र खोल करके बच्चों को बुला करके पोसार बांट करके सारी चीजों को काम करना ही एक जो है जिम्मेवारी नहीं है। केंद्र अच्छे तरीके से चल पाए साथ में सेविकाओं सहायिकाओं को कई प्रकार की परेशानी और टॉर्चर का भी सामना इस दौरान करना होता है। इसी के संबंध में बिहार के वैशाली ने हाजीपुर जिले में खबर प्राप्त हुई है कि एक आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा के ऊपर जो है एक नर्सरी के द्वारा जो है दुर्व्यवहार किया गया और मारपीट की गई और सेविका के गला दबाने का प्रयास किया गया। सेविका जो है अस्पताल में भर्ती है, ऐसी कुछ खबर है। चलिए हम आपको दिखाते हैं पूरी खबर क्या है, किस कारण से यह हादसा हुआ है या फिर क्या कारण हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बहुत ही अजीबोगरीब और एक बहुत ही खराब खबर आंगनबाड़ी सेविका के संबंध में है। लिखा गया आंगनबाड़ी सेविका से दुर्व्यवहार पर केस किया गया। एक सेविका को अपने पोषक क्षेत्र के लाभार्थी के साथ जो हमेशा से कहीं ना कहीं बकझक होती रहती है कि हमें लाभ क्यों नहीं देते, हमें पोषाहार क्यों नहीं देते, सारा पैसा सेविका खा जाती है, सेविका कुछ नहीं देती, हमेशा शिकायत रहती है। चाहे सेविका ठीक तरीके से काम करे तभी भी कुछ लोग शिकायत करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसके अलावा कब कौन सी मीटिंग जो है कहाँ पर बुला ली जाए, कौन सा काम सौंप दिया जाए, कौन सा अपडेट आ जाए पोषण ट्रैकर ऐप में, कौन सा लेटर आईसीडीएस का चला है, भारत सरकार का चला है काम करने के लिए, सर्वे करने के लिए, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। इसके अलावा जो इतना कम पैसे में ये सारे काम करना जो है सेविका काफ़ी जिम्मेवारी पूर्वक करती है। स्वास्थ्य विभाग का भी काम, पोलियो का काम वगैरह भी करती है। इसके अलावा एक अन्य समस्या है कि उनसे जो है कई लोगों द्वारा दुर्व्यवहार भी किया जाता है। वैशाली यानी हाजीपुर जिले की खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। लिखा गया नशेड़ी, देखिए नशेड़ी की पिटाई से बाल बाल बची आंगनबाड़ी सेविका। थाना क्षेत्र के मंसूरपुर बाजार स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 06 की सेविका पूनम कुमारी बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी एक नशेड़ी उनके रूम में पहुंच गया। इस संबंध में सेविका ने वैशाली थाने में FIR दर्ज कराई है। अभी आपने देखा था कि किस प्रकार एक नए केंद्र में जो सेविका को दिया गया चलाने के लिए नया भवन में, उस भवन में ताला लगा दिया गया किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, वो एक अलग समस्या थी। नशेड़ी अचानक सेविका के गले पर प्रहार करते हुए उनका गला दबा दिया। हल्ला करने पर आसपास के दर्जनों लोग इकट्ठा हुए। नशेड़ी की पहचान थाना क्षेत्र के दाऊद नगर निवासी अशोक राउत के पुत्र सोनू राउत के रूप में हुई। केस के अनुसार सोनू सेविका के गले में स्थित मंगलसूत्र छीनने का प्रयास कर रहा था। सेविका द्वारा इसका विरोध किए जाने पर उसका गला दबा दिया गया और मारपीट करने लगा। ग्रामीणों ने उसे जमकर पिटाई कर दी। लोगों द्वारा थाने को सूचित किए जाने पर पुलिस पहुंची और गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूछताछ करने में बताया कि वह गांजा पीने आंगनबाड़ी केंद्र में गया था। सेविका का इलाज PHC वैशाली में किया गया। देखिए यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका का इसमें कोई दोष नहीं था, कोई भूमिका नहीं थी। ये जो है जानबूझकर किया गया प्रहार प्रतीत होता है कि पुलिस ने बताया था कि वो आंगनबाड़ी केंद्र में गांजा पीने गया था और इसलिए उन्होंने सेविका पर हमला किया। तो ये देख पा रहे हैं अजीबोगरीब हरकतें इसके संबंध में दिखाई दे रही हैं। उम्मीद करूंगा ऐसी घटना किसी के साथ नहीं हो, सब लोग सुरक्षित पूर्वक केंद्र चलाएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।